नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी के पाठ तीन किताबे कविता के जो लेखक है सफदर हाशमी, उन्होंने बड़ी ही अच्छी कविता लिखी है। तो इस कविता को हमने पढ़ा हुआ है और कविता बड़ी ही रोचक और हमें ज्ञानप्रद कविता है जो कि हमें ज्ञान सिखा रही है। तो आइए आज हम इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, दीर्घ प्रश्नोत्तर, भाषा, लिपि, व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। रॉकेट, रॉकेट का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान। राज, राज का अर्थ क्या होता है? रहस्य। नंबर तीन, भरमार, भरमार का अर्थ क्या होता है? अधिकता, यानी कोई चीज अधिक मात्रा में। जमाना, जमाना का अर्थ होता है युग। नेक्स्ट देखिए गम, गम का अर्थ होता है दुख। नीचे देखिए कठिन शब्द, परियों, परियो नहीं होता, परियो। रॉकेट, चिड़िया। अब यहां पर देखो, अगर या के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा हटा दे तो एक चिड़िया होती है, और चिड़िया यानी बहुवचन है यहाँ पर। किससे? नेक्स्ट देखिए, जमानों, इंसानों, भरमार, साइंस, लहलहाती, चहचहाती, गुनगुनाते, झरने। अब आइए देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं। कवि हमसे क्या सुनने के लिए कहते हैं? कवि क्या कहते हैं कि किताबों की बातें सुनो। आपने को कविता में कहा गया है ना, किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती है, यानी हमेशा किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हारे समीप रहना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, किताबों में किसके किस्से सुनाए जाते हैं? किताबों में परियों के किस्से सुनाए जाते हैं। कविता में हमने पढ़ा था कि किताबों में परियों के किस्से हैं। नेक्स्ट देखिए, किताबों में किसकी आवाज छिपी है? किताबों में साइंस की आवाज छिपी है। कैसे? यानी किताबों में जितने भी आविष्कार हुए हैं, साइंस से रिलेटेड जितने भी नए नए प्रयोग हुए हैं, वो सब किसमें हमें मिलते हैं? किताबों में मिलते हैं। आइए लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। किताबें किसके पास रहना चाहती है? किताबें सदैव हमारे पास रहना चाहती है और हमसे बातें करना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, किताबें किस जमाने की बातें करती हैं? किताबें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की बातें करती हैं। किस जमाने की? यानी जो बीत चुका है वो जमाना, जो चल रहा है वो, आगे जो आएगा उसके बारे में भी हमें समझाती है, सीख देती है। हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं? हम किताबों को पढ़कर व उनसे प्राप्त ज्ञान को समझकर ही किताबों की बातें सुनते हैं, क्योंकि किताबें हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करती हैं। तो किताबों की बातें हम कैसे सुन सकते हैं? हम किताबों को पढ़कर उनमें दिए हुए ज्ञान को समझकर उसको आत्मसात करते हुए हम अनेक प्रकार के ज्ञान है वो किताबों से प्राप्त कर सकते हैं। आइए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। किताबें आज की, कल की बातें करती हैं, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? किताबें हमें सदैव बीते हुए जमाने का अनुभव कराती हैं। किताबों में क्या होता है? भूतकाल की बातें होती है, हिस्ट्री होती है ना, जो बीता हुआ समय उसका होता है उसके बारे में। तो बीते हुए समय में जो घटनाएं हैं उनको बताते हुए हमें अनुभव कराती है कि बीते हुए जमाने में क्या चीज सही थी और क्या चीज गलत थी। उससे अपने को क्या मिलती है? सीख मिलती है। तो वर्तमान समय के कार्यों व घटनाओं से भी हमें अवगत कराती है वर्तमान समय में क्या चल रहा है और भविष्य कार्य, भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं या जो आगे आने वाला समय है उसके प्रति जो घटनाएं हैं उसके प्रति हमें क्या कराती है? सचेत कराती है, हमें सीख देती है कि हमें आगे आने वाले समय में किस तरीके से और कैसे रहना होगा। नेक्स्ट देखिए, किताबें किन अलग अलग विषयों की बातें करती हैं? उनमें से आपको कौन सा विषय पसंद है? किताबों में रॉकेट अर्थात अंतरिक्ष संबंधी जानकारी है। किताबों में विज्ञान के चमत्कारों का ज्ञान है। प्रकृति के विभिन्न रंगों की जानकारी भी हमें किताबों से ही मिलती है। कहने का क्या तात्पर्य कि प्रकृति से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, इतिहास से संबंधित आदि सारी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? किताबों से। इतिहास के युद्ध, संधि,
हार जीत आदि सभी की जानकारी हमें कौन देती है? किताबें देती हैं। किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। हमें इतिहास व विज्ञान का विषय पसंद है। इतिहास के ज्ञान के माध्यम से हम हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब इतिहास हमें क्या करता है? हमारी गलतियों से हमारा साक्षात्कार कराता है, हमें परिचित कराता है, तो हम हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं और विज्ञान के आविष्कारों से हम देश का विकास कर सकते हैं। आगे देखिए, क्या आपने कभी किताबों के संसार का अनुभव किया है? अपने अनुभव लिखिए। किताबों का संसार बड़ा ही अद्भुत और विस्तृत है। किताबें हमें असीमित ज्ञान प्रदान करती हैं। किताबों के द्वारा हम न केवल भूत वर्तमान अपितु भविष्य के जो कार्य होते हैं उनके बारे में भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किताबों से हम अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो किताबें क्या है? किताबों का संसार बड़ा ही अद्भुत और विस्तृत होता है। किताबें हमें असीमित ज्ञान प्रदान करती हैं और किताबों के द्वारा हम भूत वर्तमान और भविष्य के जो कार्य हैं उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किताबों से एक भावनात्मक संबंध हो जाता है। वे हमारी मित्र बन जाती हैं। हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? किताबों से हमारा भावनात्मक संबंध हो जाता है। किताबें हमारे मित्र की तरह हमारे दुख सुख हार जीत खुशी गम में हर समय हमारे साथ रहती है और हमें जीवन के अनुभवों के बारे में ज्ञान देती है। किताबें ही हैं जो हमें नीति के बारे में नैतिक शिक्षा ज्ञान रूपी शिक्षा सारी शिक्षा हमें प्रदान करती हैं और हमें जीवन के अनुभवों के बारे में ज्ञान देती हैं। किताबों में प्रकृति की शोभा नजर आती है। कहीं झरने के गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती हैं तो कहीं खेतों के लहलहाने की। किताबें मनोरंजन का भी साधन है। अतः हमें किताबों को साफ सुथरा रखना चाहिए वह किताबों का उचित रख रखाव भी करना चाहिए। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि हमें एक पंक्ति दी हुई है। इस पंक्ति को हमें देखना है। उससे पहले हम पहले रिक्त स्थान को देखते हैं। कर किताबें करती हैं बातें बीते किसकी? बीते जमाने की। खर किताबों में चिड़िया है। क्या करती है किताबों में चिड़िया? चहचहाती है। ग किताबों में का राज है। किसका राज है? रॉकेट का। नंबर दो, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? इस पंक्ति को पढ़कर नीचे प्रश्नोत्तरों को अपनों को देखना है। क यह प्रश्न किसे संबोधित किया गया है? यह प्रश्न बालकों को बच्चों को संबोधित किया गया है। ख किस संसार में जाने की बात की गई है? किताबों के संसार में। ग उस संसार में क्या क्या ज्ञान भरा पड़ा है? किस संसार में? किताबों के संसार में। किताबों के संसार में खुशी हार जीत विज्ञान व अंतरिक्ष का ज्ञान भरा पड़ा है। आगे देखिए, अपने को जोड़े मिलाने हैं शब्दों के। क परियां। परियां को हम किससे जोड़ेंगे? किससे से। ख झरने। झरने क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं। नंबर के खेतियां। खेतियां क्या होती है? लहलहाती हैं। घर रॉकेट। रॉकेट क्या है? रॉकेट का राज। साइंस। साइंस को किससे जोड़ेंगे? आवाज। अब हमने शब्दों में वाक्यों में और मेरे विचार से प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब आइए देखिए भाषा और व्याकरण को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। क ज्ञान। ज्ञान का उल्टा क्या होता है? अज्ञान। ख प्यार। प्यार का उल्टा नफरत। ग पास। पास का उल्टा दूर। घर पसंद। पसंद का उल्टा नापसंद। नंबर दो, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए। जहां एक वचन होगा वहां बहुवचन बनाना है और जहां बहुवचन होगा उसका एक वचन करना है। चिड़िया चहचहाती है। अब यहाँ पर चिड़िया है वो एक वचन है, उसका बहुवचन बनाते समय यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है। चिड़िया चहचहाती है। नंबर ख फसल लहलहाती है। फसल का क्या हो जाएगा? फसलें। फसलें लहलहाती है। झरने झरझर करते हैं। अब झरने हैं वो बहुवचन है, उसको एक वचन बनाना है। झरना झरझर करता है। घ
परियों के किस्से सुनाते हैं। अब परियों है वो बहुवचन है, उसको एक वचन करना है। परी के किस्से सुनाते हैं। निम्न के शब्दों में यथानुसार अनुस्वार और अनुनासिक। अब बेटा यहाँ पर जो अनुस्वार है ना, वहां पर बिंदु आएगी, यहाँ पे जो निशान है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे बिंदु आएगी और अनुनासिक की जगह के चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। दत्त, दत्त की जगह क्या आएगा, दंत, यानी यहाँ पर क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। पूछ, पूछ नहीं होता, पूछ, यानी नाक और मुंह से दोनों जगह से आवाज निकलती है, वहां पर होता है अनुनासिक, यानी यहाँ पर चंद्र बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु को अनुनासिक। मच, मच नहीं होता, मंच, अंग की मात्रा, तो ये क्या होगा, अनुस्वार। आगे देखिए व्यजन, व्यजन नहीं होता, व्यंजन, तो यहाँ पर क्या है, अनुस्वार, ये के ऊपर। सांस, सांस नहीं होता, सांस, तो यह हो गया, ये हो गया आपका अनुनासिक। खुशिया, खुशिया नहीं होता, खुशियां होता है। आया समझ में। नीचे देखिए, बड़ी की और छोटी की, जिसका आपको ध्यान देना है, की और की, छोटी की जिसको अपन बोलते हैं उसको छोटी नहीं बोलते, उसको की बोलते हैं, और जो बड़ी बोलते हैं उसको बोलते हैं की। तो यहां पर अंतर अपने को देखना है, छोटी की और बड़ी की नहीं बोला जाता, इनको बोलते की और की। देखिए इस नियम को ध्यान में रखकर की और की दोनों से वाक्य बनाइए। छोटी की कहाँ पर आती है, जिसको आप छोटी की बोलते हैं ना, वो कहाँ पर आती है, जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे होते हैं और अगला वाक्य उससे कनेक्ट होता है, तो कंजक्शन के रूप में ये यूज में ली जाती है। और की मात्रा कहाँ पर आती है, जहां पर किसी एक वाक्य के बीच में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में प्रयोग लिया जाता है। जैसे ये देखिए, यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पर राम क्या है, संज्ञा शब्द है, और उसके बाद में क्या आया है, की, तो यहाँ पर की आएगा। नेक्स्ट देखिए, पूजा रमा की सहेली है, यहाँ पर एक ही वाक्य है और रमा क्या है, संज्ञा शब्द है, और उसके बाद में की आया है। आगे देखिए, उसने बताया कि वह कल जयपुर जाएगा। अब यहाँ पर उसने बताया और वह कल जयपुर जाएगा, इन दोनों बातों के बीच में कल है, वो संबंध स्थापित कर रहा है, कंजक्शन बता रहा है, तो जहां पर कंजक्शन बताया जाता है वहां पर की का यूज में लिया जाता है। समझ लीजिए कि यह घर आपका ही है। अब इसको उच्चारण करते समय भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यह जो नीचे दे रखी है ना, उसने बताया कि, तो यह होएगा की, और ऊपर वाली देखो, यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पर की और की में जहां पर धीमा शब्द दिया जाता है, वर्ण जल्दी से निकल जाता है, वहां पर आपकी छोटी की मात्रा होगी, जिसको आप छोटी की बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, अपने को धीमे स्वर में बोलना होता है, और जहां पर वक्त शब्द पे जोर पड़ रहा है, वर्ण पे जोर पड़ रहा है, वहां पर बड़ी ही की मात्रा होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अब आप इसको पढ़ेंगे और लर्निंग करेंगे। धन्यवाद।